राधे राधे, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये मेरा मंदिर, अब मैं जन्माष्टमी के लिए यहाँ पर डेकोरेशन करने जा रही हूँ। ये मैंने मोरपंख लगाए हैं यहाँ पर, ये कैसा लग रहा है। और ये मेरा झूला है कान्हा जी का, ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था। जो इस ये देखिए टैग अभी तक लगा हुआ है, मैं टैग निकालना भी भूल गई थी। और ये अभी नया ही है, मैं जब इन्हें यूज़ करने के बाद मैंने इसे पैक करके रख दिया था, और अब आज फिर ये यूज़ में आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और मेरे कान्हा जी यहाँ पर बैठेंगे और इस पर झूला झूलेंगे। और आज तो आप सभी का भी व्रत होगा, आज मेरा भी व्रत है, और जन्माष्टमी के लिए आज मिठाई भी बनानी है। और आपने ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइए मेरा डेकोरेशन जन्माष्टमी का। और मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेसेस भी ख़रीदी हैं जन्माष्टमी की, ये देखिए ये वाली ड्रेस कितनी प्यारी है, इसे आज बनाऊंगी मैं, बहुत सुंदर है। मेरे कान्हा जी एक्चुअली बहुत छोटे हैं, तो उन्हें ना छोटे कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन मुझे ना बड़े कपड़े पसंद है थोड़े से, तो मैं थोड़े से बड़े लेती हूँ। ये देखिए मुकुट कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा मुकुट है ये। देखिए मैं तो जब भी कान्हा जी के लिए कपड़े देखती हूँ ना, ये देखिए जूली, तो मुझे इतने पसंद आते हैं, मुझे ऐसा लगता है सब ले लूँ सब। और मुझे इनके लिए कलरफुल कपड़े लेने बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशन पूरा रेडी कर दिया है। और अब डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अब मैंने कान्हा जी के लिए मेवा पाक बनाना है और नारियल के लड्डू बनाने हैं। और ये मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अब मैंने यहाँ पर मेवा पाक की तैयारी शुरू कर दी, ये नारियल कद्दूकस करके इसको घी में थोड़ा भून लिया है, ये ड्राई फ्रूट्स भी मैंने भून लिए हैं। उसके बाद इसमें गुड़ डालकर मैंने इसको थोड़ा पकाया और फिर थाली में जमने के लिए रख दिया। और ये देखिए मेरा मेवा पाक ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसके बाद ये है नारियल के लड्डू के लिए, मैंने नारियल को घी में थोड़ा सा भून रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिलाया, थोड़ी चीनी मिलाई, और देखिए ये गोल गोल लड्डू रेडी हो गए। ये मेरे नारियल के लड्डू भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, और इस लड्डू को खाकर मेरे कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे। और ये लड्डू और मेवा पाक दोनों रेडी हो चुके हैं। और इसी के साथ हमने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई, मेरे कान्हा जी को ये प्रसाद बहुत पसंद आया।